नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल आजादी का अमृत महोत्सव। हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय में प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। पंजाब एवं हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सहयोग से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने पर इस उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के परिसर में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति श्री रविशंकर झा द्वारा किया गया। इसमें 2 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक 6 सप्ताह तक चलने वाले राष्ट्रीय जाति अभियान अखिल भारतीय जागरूकता आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। प्रदर्शनी में छात्र विधिक साक्षरता मिशन के तहत छात्रों द्वारा चलाए गए चित्रों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें समाज में प्रचलित सामाजिक मुद्दों जैसे नशे की समस्या, बाल श्रम, ऐसे जाते घरेलू हिंसा, साइबर अपराध आदि के साथ साथ समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों और उनके अधिकारों को दर्शाया गया है। अधिकतम जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 2 अक्टूबर 2021 से लेकर के अब तक 3 बार राज्य के सभी गांवों में मोबाइल वैन, सामाजिक संस्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम एवं डेस्क आदि के माध्यम से विधिक जागरूकता सह विधिक सहायता केंद्रों, डोर टू डोर फेरों और उसके दौरान सेवानिवृत्त शिविरों, प्रतियोगिताओं, रैलियों और प्रदर्शनों के माध्यम से ये जागरूकता आयोजन किया। गांव में डोर टू डोर दौरे करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 724 टीमों का गठन किया, जिसमें 85,000 से अधिक ग्रामीणों से बातचीत की गई। उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया गया। लोगों को कानूनी सेवाओं की अवधारणा के बारे में भी शिक्षित करने के लिए शिविरों एवं मेलों में 320 कानूनी सहायता दल स्थापित किए गए। विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदर्शनियों के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं और इसमें अब तक 277 प्रदर्शनियां आयोजित की जा चुकी है। पल पल चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट।